हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा वीडियो है इस फ्रीज़र बॉक्स के ऊपर। ये मैंने फ्रिज के अंदर से निकाल दिया है सो दैट आप लोगों को दिखाने में सही होगा। और आप देख सकते हैं इसमें कैपलरी ब्लॉक है, चोक है, इसके अंदर कुछ कचरा चला गया है। तो अब हम आपको बताएंगे इसे कैसा क्लीन करना है। इसमें हम लोग कैपलरी चेंज नहीं कर सकते हैं बॉक्स में, जैसे कि ये बिल्ट इन है, ये देख सकते हैं, ये अंदर सेक्शन लाइन के अंदर से होते हुए अंदर डाला है इसमें, ये देख सकते हैं। अब मैं इसे क्लीन करूंगा, आप सीटीसी भी ले सकते हैं, इससे भी क्लीन कर सकते हैं, और एक अच्छा सा कंपनी का थिनर भी यूज़ कर सकते हैं साफ करने का अगर आपके पास सीटीसी नहीं है। तो मैं भी क्या करूँगा, ये सेक्शन लाइन पे एक कपलर इसमें जोड़ूंगा, ये रहा मेरे पास कपलर, और इसे मैं वैक्यूम पंप है हमारे पास, कंप्रेसर है, इसे मैं वैक्यूम करूँगा। तो देखते रहिए, तो कपलर लगा दिया है मैंने। अब हमारे पास ये जो है कैपलरी, इसे मैं कट करूँगा कैपलरी कटर से, देख सकते हैं होल हो चुका है इसमें। अब मैं क्या करूँगा, ये सीटीसी है मेरे पास, इसको मैं इसमें डाल दूँगा, देख छेद हो गया है, ये अंदर तक डालूँगा। और इसमें मैंने मार्किंग किया हुआ है, आप भी ऐसा मार्किंग कर लीजिए, सीटीसी अंदर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वैक्यूम होते समय आपके कंप्रेसर में जा सकता है। थोड़ा 5 ml काफ़ी है अंदर जाने के लिए, तो आप इस पर नज़र रखिए। ये मैं रखता हूँ, अभी लगा दिया है, और कैपलरी मैंने सीटीसी में डुबा दी है, और मैं वाल्व खोलूँगा। अब मैं कंप्रेसर शुरू करूँगा और इस पर नज़र रखता हूँ कंप्रेसर चालू। जैसा कि वैक्यूम हो रहा है, अभी पूरा बॉक्स वैक्यूम होने के बाद ये यहाँ से खींचेगा। मार्किंग से थोड़ा नीचे तक हम लोग इसे डालेंगे, नहीं तो काफ़ी चोक लग रहा है, नहीं जा रहा है अंदर कुछ, वैक्यूम भी माइनस में चलेगा है, देख सकते हैं। तो हमें थोड़ी देर तक ऐसे ही इसे चलाना है, तो इसे वैक्यूम खींच ही लेगा, और थोड़ी देर वेट करते हैं, आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, एकदम नहीं निकलेगा चोकिंग। आप ये बॉक्स बिना निकाले हुए भी फ्रिज में रखे हुए भी कर सकते हैं ऐसा। ये मैंने बॉक्स इसलिए निकाला कि आप लोगों को दिखा सकूँ। अभी भी हवा आ रहा है, अभी नहीं हुआ वैक्यूम। अभी खींचना शुरू नहीं किया है उसने सीटीसी, ये चला के 15 मिनट के करीब हो गया है। जैसे देख सकते हैं 10-15 मिनट हो चुका है वैक्यूम में, अभी भी इसने खींचा नहीं सीटीसी। आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, ये बहुत टाइम लेने वाला काम है, आपको कंटिन्यूस वैक्यूम में रखना पड़ेगा, जैसे इसके अंदर जो भी कचरा रहेगा वो गलेगा। अभी नहीं हुआ शुरू, टाइम लगेगा कम से कम, क्लीनिंग करने में आपको कम से कम आधा से 45 मिनट तक लग जाएगा।
देखता हूँ, अभी हवा आ रही है, अभी भी आ रही है हवा, पूरी तरह से वैक्यूम नहीं हुआ है। जैसा कि पूरी तरह से वैक्यूम होगा तो फिर यहाँ से खींचना शुरू करेगा। देख सकते हैं खींचना शुरू कर दिया है, लेवल कम हो रहा है, हम थोड़ा देर और रुकेंगे। खींच रहा है और थोड़ा देर, थोड़ा और जाने देंगे हम अंदर। जाना शुरू हो गया, ब्लॉकेज निकल रही है अंदर से। थोड़ा बहुत सीटीसी अंदर चले गया है, अभी हम इसे वैक्यूम में से निकाल लेंगे और थोड़ा प्रेशर डालेंगे इसमें। मैं डिस्चार्ज पे लगा रहा हूँ, थोड़ा इसमें एयर का प्रेशर डालेंगे, देखते हैं इधर क्या होता है सीटीसी में। इसमें हवा जा रहा है अभी, ब्लॉकेज निकल गई है, हवा आ गया है इसमें। देख सकते हैं सर, तो एक बार फिर से उसे फिर से वैक्यूम में लगाते हैं, थोड़ा और एक बार क्लीन करते हैं। वैक्यूम में लगा दिया है, देखते हैं सीटी से फिर से थोड़ा और अंदर डालेंगे हम, दोबारा एक बार फ्रेशिंग कर देंगे उसे। अभी वैक्यूम में लगा दिया है, देख सकते हैं बॉटम में पूरा कचरा आया है पाइप के अंदर से, और ये सीटीसी खींच रहा है, थोड़ा खींचने देंगे इसे हम। अब स्पीड जाने लग गया है, थोड़ी देर अंदर जाने देंगे, थोड़ा और एक 3-4 ml। ये देख सकते हैं कैसा कचरा आ रहा है इसमें से, ठीक है, काफ़ी नीचे आ गया है ये कचरा। आप देख सकते हैं कैसा नीचे आ रहा है अंदर से। अभी ये फिर इसे काफ़ी चलेगा वैक्यूम पंप में, हमारे कंप्रेसर में जाने जा सकता है सीटीसी। मैं इसे रोकता हूँ और फिर से एक बार डिस्चार्ज करता हूँ, डिस्चार्ज पे लगाता हूँ, हवा इसमें डालूँगा। ये डाल दिया है ना, देख सकते हैं ये देखिए आ रहा है। देख सकते हैं कचरा कैसा आ रहा है, मुझे लगता है कि कैपिलरी पूरी क्लीन हो चुकी है। चलिए और एक बार मैं दोबारा से फिर से एक बार वो करता हूँ, इसे वैक्यूम में लगाता हूँ और एक बार कैपिलरी में डालूँगा। तो इससे क्या होगा, पूरी अच्छी तरह से हमारा कैपिलरी साफ हो जाए। सेक्शन में लगा रहा हूँ, वैक्यूम करूँगा फिर से और एक बार सीटी से अंदर डालूँगा। मुझे मार्किंग यहाँ का मिला हुआ है, देख सकते हैं सीटी से का कलर चेंज हो गया है। ले रहा है अंदर, अभी कैपिलरी साफ हो गई ना इसलिए स्पीड खींच ले रहा है अंदर। थोड़ा जाने देंगे अंदर, अब बेस में देख सकते हैं कितना कचरा आ गया है इसका।
ये भी कैपिलरी के अंदर का था कचरा, बाहर निकल गया है। अब कैपिलरी बिल्कुल नई जैसी हो गई है, देखते हैं कितना लिया है। ठीक है, काफ़ी ले लिया है कैपिलरी क्लीन करने के लिए। अब मैं इसे फिर से हवा का प्रेशर दूंगा, ये फाइनल रहेगा मेरा आखिरी। अब देखेंगे, देखिए अभी भी आ रहा है कचरा। एक 5 मिनट ऐसे ही चलाऊंगा, 5 मिनट हो गए हैं इसे, देख सकते हैं हवा एकदम क्लियर आ रही है और बेस में भी कचरा देख सकते हैं कितना आया कैपिलरी के अंदर से। देखिए मैं आपको इसमें CTC गिरा के इसमें बताऊंगा किस तरह का कचरा था। तो यह हमारा क्लीनिंग हो चुका है अभी। अब इसमें मैं एक 10 मिनट ऐसे ही आइडियल चलाऊंगा, जो इसके अंदर CTC रहा होगा ये पूरा बाहर निकल जाएगा। देख आ रहा है इसमें से, ठीक है। तो मैं अभी CTC में बताऊंगा किस तरह का अंदर ब्लॉकेज था। देख सकते हैं इसका कलर कैसा हो गया CTC का, एकदम क्लियर था। अब मैं बताऊंगा आपको कैपिलरी के अंदर से क्या क्या निकला। मेरे पास एक प्लास्टिक का बॉक्स है, उसमें डालूंगा CTC। इसमें भी है अभी बचा हुआ, देख सकते हैं ये कैपिलरी के अंदर किस तरह का ब्लॉकेज था। एकदम कैपिलरी की तरह मोल्ड हो गया है ये इसके अंदर छेद में। ये देखिए ये पूरा अंदर ब्लॉकेज था, ये पूरा क्लियर हो गया है अभी हमारा कैपिलरी। तो फ्रेंड्स देखा होगा आज हमने कैसा कैपिलरी क्लीन किया है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लेने वाला काम है पर आप इसे आसानी से साफ कर सकते हैं जैसा मैंने बताया है। ये देख सकते हैं अभी हवा आ रहा है इसमें से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।